आप धैर्य रख के मेरी बात सुनना। आपकी रिपोर्ट ने सही बताया कि किस तरीके से एनपीए की दर 2 सालों में इतनी बड़ी है। अगर मैं इसके आंकड़े बताऊं आपको तो आप चौंक जाएंगे। 4.5 लाख करोड़ से बढ़कर 7,23,000 करोड़ 1 साल के दौरान हो गई, मतलब लगभग 3 लाख करोड़ की एनपीए उस दौरान में बढ़ी, जिसका आपने हवाला दिया है। आपको मैं पूछना चाहता हूं, आपको पता है इन 7.5 लाख करोड़ के एनपीए में 10 बड़े बिजनेस हाउसेस है, जिसमें अडानी 1 लाख करोड़, अंबानी 1,25,000 करोड़, और वो किसके करीब है आप जानते हैं। विजय माल्या के ऊपर लुकआउट नोटिस थी, उसको लुकआउट नोटिस होते हुए वो इस देश से भागा, ललित मोदी भागा, उसको मदद किसने की आप जानते हो सारी चीजें। अब कल कोर्ट में क्या हुआ, कोर्ट में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कहा कि भारत सरकार ने जो तथ्य और सबूत पेश करने थे 6 हफ्तों में जनवरी के, अभी तक नहीं पेश किया, और अगर यही चलता रहा तो अप्रैल तक ट्रायल शुरू नहीं होगा। ये उनका बयान है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, यूके की कोर्ट का। तो मैं पूछना चाहता हूं, या तो ये नाकामी है भारत सरकार की, मोदी सरकार की, या तो ये मिलीभगत है कि भागने दिया, भागने के बाद सबूत नहीं पेश कर रहे, एनपीए लगातार बढ़ रहा है। देखिये 2008-2009 में इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी, उस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से बहुत सारी हमारी कंपनीज के एक्सपोर्ट गिरे थे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाउन हुई थी, और ऐसे हालात हो गए थे जिसकी वजह से स्टील इंडस्ट्री और कई सारी इंडस्ट्री और सेक्टर वो अपने कर्ज को नहीं चुका पाए क्योंकि उनका दिवालिया निकल गया था। एक जेन्युइन नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनना एक बात होती है, उनको रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है, उनके लोन वापस लाए जा सकते हैं। हर साल पिछले साल आपको पता है 1.5 लाख करोड़ कॉर्पोरेट राइट ऑफ दिया गया। तो अंबानी, अडानी, विजय माल्या के भी लोन साफ किए गए 1400 करोड़ के। ये लोग बड़े लोन उठाते, इनके लोन साफ किए जाते, महाराष्ट्र में किसान मर रहे हैं, तमिलनाडु के किसान मर रहे हैं, छोटे छोटे लोन वो ले रहे हैं 10-10 हजार के, उसके लिए माफी मांग रहे हैं कर्ज माफी की, तो उनको नहीं दिया जा रहा। और इतने बड़े घराने जिनके मोदी साहब के साथ अच्छे संबंध है, 2 लाख 2.5 लाख करोड़ तो 2 घरानों के साथ है जिनके साथ उनका उठना बैठना होता है, जिनको वो विदेश ले जाते हैं। तो ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है, मैं आपको बता सकता हूं, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है मोदी जी की इन लोन्स को वापस लाने की, और उल्टा उनको भगाकर यहां से, ये जो हुस्न अफरोजी के कदम है, 2 सेक्शन बदलने से क्या हो जाएगा? आप मुझे बताइए, 1 साल में 3 लाख करोड़ के नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्यों क्रिएट किए गए, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसके लिए कौन से लोगों को वो हटाएंगे? आज आरबीआई गवर्नर की क्या वैल्यू रह गई है, उसकी कोई स्वाधीनता बची है? आपने डिमोनेटाइजेशन किया, डिमोनेटाइजेशन से जो मुनाफा होने वाला था वो क्या आप कॉर्पोरेट राइट ऑफ की तरफ दे रहे हो? आप हमें बताओ डिमोनेटाइजेशन से कितना पैसा वापस आया आपने?